एक्सपर्ट। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है। इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर है। तो इनवर्स निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको पास ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, और आपको इसके इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजी लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ए दे रखा है, ये इन्वर्स निकालने के पहले फॉर्मूला ले लेते हैं। ए इन्वर्स होता है फॉर्मूला आपका 1/det a इंटू एडजॉइंट a, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, मल्टीप्लाई करते ऊपर एडजॉइंट a। तो देखो एडजॉइंट a में निकालने में मेहनत है, det a निकालने में उतना मेहनत नहीं है, ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, det a, det a कैसे निकलेगा, 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, -2 है, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, देखो इसके लिए हमको करना है सबसे पहले यहाँ पे 5 लेते हैं, ठीक है, ये वाला डिजिट, ठीक है, फर्स्ट डिजिट। अब देखो क्या करना है, इसका रो और कॉलम को हमें हाइड कर देना है, ये रो ये कॉलम, ठीक है, हाइड हो गया। यानी कि बेसिकली ये आपका रो
माइनस, फिर माइनस तो 4, ठीक है तो 1 आ गया, क्लियर। अब काफी लोगों को यहाँ पे निकालने में ही गलती होती है, तो आप इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। और गलती इंसानों से ही होती, तो ये आपके साथ गलती ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके चलो सब सही है, एक बार हम लोग भी चेक कर लें, ठीक है। कर रहे हैं क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं, -2 और यहाँ पे -4, ठीक है। ओके ऑल राइट, सब सही, ठीक है। अब हम निकाल लिए माइनर, अब को फैक्टर निकालने की बारी है, को फैक्टर निकालने, को फैक्टर्स, ठीक है। को फैक्टर्स में आपको एक ट्रिक बताते हैं, चलो को फैक्टर्स में एक ट्रिक बताते हैं, बहुत इजीली निकल जाएगा। उतना आपको यहाँ पे जैसे पूरा फॉर्मूला लिख के एक एक निकालना नहीं पड़ा, उतना ही मेहनत यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका रो और कॉलम क्या है, 1 और 1, ठीक है। इस दोनों को जोड़ो, इवन आ रहा है ना, इवन आ रहा है, तो ये आप वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब 1 2 पे आते हैं, ये आपका क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है ना, 2 + 1 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे -4 है, तो आप 4 कर दो, ठीक है। यानी कि बेसिकली हम लोग माइनस से यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला भी यही है, ठीक है, फॉर्मूला भी यही है, कोई ट्रिक नहीं लगा रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -6 है ना, ये देखो आपका इवन है, तो -6 छोड़ दो, ठीक। अब आपको यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, 8 2 1, कितना है आपका, -4, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड आ रहा है, यहाँ दोनों को जोड़ो। तो अब 8 2 2, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, ये देखो -16 है, -16 छोड़ दो। अब यहाँ पे 8 2 3 पे आ जाओ, 13, ये आपका ऑड नंबर है, 2 + 3, रो और कॉलम ध्यान दो, 5 हो रहा है, ठीक है। 5 हो रहा है, क्या करेंगे इसमें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -13 हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, तो क्लियर है, ठीक है। अब 8 3 1 8 3 1 पे आ जाओ, ये आपका -6 है, -6 छोड़ देंगे क्योंकि इवन है। 8 3 2 पे आ जाइए तो यहाँ पे आ जा रहा है ऑड, तो 6 लिख देंगे, माइनस मल्टीप्लाई हो चुकी है इसीलिए। अब आप 8 3 3 पे आ जाओ, 1 है तो 1 का छोड़ दो, ठीक है। को फैक्टर निकल गया, अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। ए डैश कितना हो जाएगा आपका, को फैक्टर का ए डैश निकल रहा है, ठीक है, ठीक है। को फैक्टर का ए डैश निकालना है तो क्या हो जाएगा, उसके लिए हमें यहाँ पर ए लिखना होगा, ठीक है। को फैक्टर का ए, ओके लिख दो, ठीक है। -4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे -6 हो गया, यहाँ पे -6 हो गया, ओके। और उसके बाद आपका 2 1 में देखो 4 आ गया, 1 - 16, और आप यहाँ पे ध्यान दो, -13, यहाँ पे -6, ये आपका 6, ये आपका 1, ठीक है। ये हमारा आ गया को फैक्टर ऑफ ए। अब को फैक्टर ऑफ ए डैश निकाल दो, को फैक्टर ऑफ ए डैश या ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए डैश बोल देते हैं, ठीक है, हाँ मेरा आदत है। ओके तो हम इसमें क्या करते हैं, रो को कॉलम में डिवाइड को चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर देंगे और जो खड़ा है उसको सुला देंगे, ठीक है। तो -1 हो गया, 4 हो गया, -6 हो गया, ठीक है। अभी देखो 4 हो गया, -16 हो गया, -13, ये देखो -6 6 1, ठीक है। और यही होता है आपका एडजॉइन ए, क्लियर है। अब आप निकाल लोगे इनवर्स, फॉर्मूले में बैठा देना, बस क्या है हमारा आधा से ज़्यादा काम हो गया, डेट ए बाय में डेट ए फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, -6 यहाँ पे आ गया, तो -16 6, -6 -13 1, और ये डिवाइड हो जाएगा आपका किससे, 11 से, ठीक सही है। तो ओके डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा। माइनस का 1/11 आ गया, यहाँ पे आपका 4/11 आ गया, यहाँ माइनस का 6/11 आ गया, यहाँ पे आपका 4/11 आ गया, यहाँ माइनस का 16/11 आ गया, यहाँ का 6/11 आ गया, माइनस का 6/11 आ गया, यहाँ पे माइनस का 13/11, यहाँ पे 1/, ये आपका ए इनवर्स निकल के आ गया, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, अवेलेबल फ्री है, ठीक है, नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, थैंक यू सो मच।